सेशन के लिए। गाइस कल डाउट सेशन हम लोग का 7:30 to 9 है कि 6 to 7:30 है? 7:30 to 9 एंड दैट स्पेसिफिक डाउट सेशन इज मेंट फॉर ITF। आई विल रिपीट ITF। टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश विद द थ्योरी पार्ट एंड गाइस टुडे प्रोबेबली लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी डूइंग द थ्योरी पार्ट ओनली नॉट द एग्जांपल्स वन बट इन द एंड लाइक यू नो टेलीस्कोपिक वाला एक आध दो प्रॉब्लम्स हैं जो क्लास में कराना जरूरी है। ओके that will cover with this like you know we'll be able to cover with the theory part of ITF. Now guys what exactly the doubt session is tomorrow I'll be sending you I have the PDF form which I have taken the print out actually there are total 13 and a half pages of theory actually which we have done in class right theory along with examples most of the examples we have done but around about 15-20 examples are left which we have not done in class which are extra so what you need to do from today's day to tomorrow evening you just have to go through these 14 pages and you have to identify the doubts okay the first priority goes to the doubts for ITF it's important chapter in terms of all other chapters we'll be doing further right so ITF ke doubts priority pe kal main lunga aur ITF mein bhi PDF ke doubts mein priority pe kar lunga aur uske baad agar time rehta hai hum log ko to exercise 1 bacho exercise 1 I believe you guys must have done yes sir ha matlab jo agar jitna bhi ho gaya jo time bachega usme exercise 1 2 3 tum log ko homework ke liye diya hua hai na और फिर उसके बाद अगर टाइम नहीं रहता है कल तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर पूरी बुकलेट हम लोग डाउट सेशन में रखेंगे इज दैट ओके फॉर एवरीवन यस सर एंड गाइस मुझे आई रिमेम्बर द लास्ट टाइम लाइक यू नो हम लोग किधर तो फंस गए थे एक्चुअली हां सर है ना बीच में लेक्चर और फिर मैंने कुछ भेजा था इतना इनसिंसियर बैच मतलब इंटेलिजेंट इनसिंसियर बैच दोनों जगह आई आ रहा है तुम लोगों में से किसी एक बच्चे ने भी माइट बी मेजर टेस्ट की वजह से तुम लोगों ने डिमांड नहीं किया होगा बट मैंने बोला था 5 क्वेश्चन करने हैं उसके बाद आंसर की मैं भेजूंगा सॉल्यूशंस भी भेजूंगा देयर इज नॉट अ सिंगल स्टूडेंट आस्क मी अबाउट द सॉल्यूशंस नन ऑफ द स्टूडेंट ट्राइड फॉर दैट तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आंसर्स देख लिए दैट्स इट ना सॉल्यूशन आंसर कहां से देख लिए मैंने तो दिए नहीं अच्छा तो सर नहीं देखे आंसर्स इधर लिखे हैं मैंने सॉल्व करके और फिर चेक करने की मेहनत नहीं किया है गाइस देन नीचे लिखा हुआ पीडीएफ के एंड में है आंसर पीडीएफ के एंड में 15 क्वेश्चन के आंसर अच्छा हां एंड में आंसर है क्या आई डिडंट चेक तो ऐसे चेक होगा अच्छा अच्छा आई एम सॉरी इन दैट केस आई मीन आई डिडंट नो दैट आंसर्स आर नॉट देयर बोर्ड के क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए था सर कौन से वाले क्वेश्चन का बेटा सर वो क्वेश्चन दिए थे शायद आपने आपने डिजिटल बोर्ड पे सर कुछ 6 क्वेश्चन लिखे थे सर उसके सोल्यूशन आप भेजने वाले थे सर वो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस की बात कर हाँ सर वो किसी बच्चे को बोला था सेंड करने को cos inverse cos 10 power 7 से cos inverse of cos 10 power 7 sin inverse sin 3 power 11 सर आपने ये नहीं उसके आंसर्स लेकिन बताए नहीं थे क्या क्लास में सर आंसर बताए थे सर आपने लेकिन वो मेथड चाहिए था सर वो आंसर आया थे अच्छा एक मिनट मैंने उसका थ्योरी नोट्स का प्रिंट आउट ही निकाल लिया बच्चों एक चीज बताऊं मैं तुम्हें ये थ्योरी नोट्स पे इसका हिंट से लिखा हुआ है क्या बोलते हो मैं अभी कर रहा हूँ कि तुम लोग को पीडीएफ भेजूंगा उससे देख के फिर डाउट आएगा तो तुम अपने पास जो बचा हुआ सिलेबस है वो कर लेते हैं और कल डाउट सेशन में जो डाउट आएगा ना ITF का कल सब पूछ लो एक साथ ठीक है बच्चों याद करो और बताओ लास्ट एक फॉर्मूला मेरे को जहाँ फंसे थे रिकॉर्डिंग में देखा कि हम लोग एक फॉर्मूले पे जाकर के और डिजिटल बोर्ड जो है ना वो गायब हो गया था मतलब वो इट वाज नॉट सेंसर वाज नॉट वर्किंग एक्चुअली हां सर आपने प्रूव so करने बोला था उसको सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वन
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. First, you lower your hand, Sardeep, and lower your hand. How many students have done this? Raise your hand, those who have done it. Okay. There are 13. Shitij, can you give me an idea, like, you know, how did you try this question, my dear? Yes, sir. I kept x as sine theta and y as sine alpha. What Shitij did, he took this is equal to alpha, this is equal to beta. Am I right? Yes, sir. So, what he did, x is equal to sine alpha and y is equal to sine beta. Yes. Guys, मानो ऐसा कुछ होता, कुछ यू सोचो, ऐसा कुछ होता कि वो तुम लोगों को क्वेश्चन पूछता कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको गायब ही कर देते एक बार अपन. वंस अगेन आई विल रिपीट, टुडेज लेक्चर इज मोर डिपेंडिंग ऑन थियरी, सो कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन थियरी पार्ट. एग्जाम्पल्स कम रहेंगे, एग्जाम्पल्स आप पीडीएफ में रहेंगे, वो कल मुझसे पूछ लेना उसका, कुछ दिक्कत रहेगा तो. अगर ऐसा ही रहता तो बच्चों एक चीज मुझे बताओ, साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई दोनों एंगल ही तो हैं, तो आंसर भी एंगल ही आएगा ना. यस सर. यस सर. तो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो कोई एंगल कम आएगा, खत्म बात, वही हुआ ना चक्कर. तो बच्चों एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा अगर गामा है, अल्फा प्लस बीटा अगर गामा है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा होएगा कि नहीं होएगा? हां सर, होएगा सर. बराबर ना बच्चों, यहां से यहां करेक्ट है राइट, लेकिन यहां से यहां करेक्ट नहीं है, ये तो तुम जानते हो ना. हाँ सर. हाँ. थोड़ा इंटरनेट फ्लक्चुएशन है बट प्रॉपर है ना. यस सर. हाँ चलेगा सर. हाँ बच्चों एक चीज, ये तो तुम्हें पता है ना, अरे साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा गामा जरूरी थोड़ी है. साइन पाई बाई थ्री और साइन टू पाई बाई थ्री दोनों सेम है कि नहीं है, बताओ? यस सर. यस सर. बट पाई बाई थ्री इज नॉट इक्वल टू टू पाई बाई थ्री ना, मतलब वाई से वाट नहीं है, उस बात का ध्यान. ठीक है, तो जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा है, तो दोनों तरफ साइन लेना तो अलाउड है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा. अब बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, सब लोग ध्यान देना प्लीज. साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, एलएचएस मेरा ये है, एलएचएस जो क्षितिज ने किया वही मैं कर रहा हूँ. क्षितिज इज इट ओके? वही है. yes. अच्छा, साइन अल्फा को एक्स लिया है, साइन अल्फा को एक्स लिया है, बच्चों ध्यान दो, साइन अल्फा को एक्स लिया है, अल्फा ये रहा, बराबर है बच्चों, यही किया ना एक्स कॉस बीटा. डायरेक्ट लिखूं क्या? हाँ सर, तो वन बीटा लिखूं. कितना लिखेंगे बच्चों? अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर है ना, प्लस कॉस अल्फा. कॉस अल्फा इज व्हाट बच्चों? साइन बीटा वाई. Under root 1 minus x. Sin beta y. Under root what? 1 minus x. Is equal to कितना है बच्चों? Sin gamma है ना? Sin gamma, हाँ sir. और लोग को क्या चाहिए? Gamma चाहिए ना? Gamma, हाँ sir. तो gamma is equal to कितना आ गया? Sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. बराबर? बोलो बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया? Yes sir. Yes sir. This implies sine inverse x plus sine inverse y is equal to sine inverse x under root 1 minus y square
प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये तो गारंटी हो गई कि ये फॉर्मूला इसी तरह से जनरेट होता है ना। अब बच्चों एक चीज बताओ, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, अगर x इक्वल टू माइनस हाफ होता तो ये ट्रायंगल बनता था क्या? नहीं सर, नहीं बना सकते ना। x नेगेटिव होगा तो ट्रायंगल बना करके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ना बच्चों। हाँ yes. मानते हो ना इसका? yes. मतलब इसका मतलब सॉल्यूशन की पहली मिस्टेक तो यही है कि यहाँ पे सामने लिखा हुआ होना चाहिए x एंड y ग्रेटर देन जीरो। बच्चों अगर x एंड y ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा तो ये ट्रायंगल बना करके ये जो वैल्यूज लिखी है ना, ये वैल्यूज हम लोग लिख नहीं सकते हैं। बच्चों x एंड y ग्रेटर देन जीरो होगा तो लेस देन इक्वल टू वन तो होगा ही, मतलब वो तो ऑब्वियस ही चीज होगा, तो डोमेन में हम लोग बात करेंगे करेंगे बराबर। मानते हो कि नहीं मानते हो? ओके, इक्वल टू जीरो भी नहीं चलेगा, इक्वल टू जीरो भी अलग से केस लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू जीरो भी ट्रायंगल में नहीं आता। ओके बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ बच्चों ध्यान दो, इस पूरे को मैं रब करने जा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, स्क्रीनशॉट भी जाएगा, लेकिन इसको रब करके और फिर रीफॉर्मेट करेंगे सारी चीजें। अच्छा एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फॉर्मूला तुम लोग लिख रहे हो, एक काम करो एक्स को वन और वाई को वन बाई रूट टू डालो। आई रिपीट, एक्स को वन और वाई को वन बाई रूट टू। अच्छा ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, और हमारे प्रूफ में कहीं कुछ गड़बड़ है नहीं? चलो डालते हैं। साइन इनवर्स वन कितना हो गया बच्चों? अच्छा वैसे ही ध्यान दो, एक वो बताओ राइट हैंड साइड का आंसर ये पूरा जब लिखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग आएगा, सही है सुनो? यस। उसका आंसर तो बच्चों जीरो और पाई बाई टू के बीच में ही है। बताओ राइट हैंड साइड पाई बाई टू क्रॉस करेगा बच्चों? नहीं कर ही नहीं सकता ना, एक्स और वाई को कुछ भी डालोगे तो राइट हैंड साइड पाई बाई टू क्रॉस कर ही नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस। अच्छा अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड तो पाई बाई टू क्रॉस गारंटीड करेगा, एक्स इक्वल टू वन लिखते ही पाई बाई टू तो आंसर यहीं पे आ गया। यस सर करेगा। अब देखो गड़बड़ क्या हो रही है, एक्स इक्वल टू वन लिखा, ये पाई बाई टू आ गया और ये पाई बाई फोर आ गया। अब राइट हैंड साइड जरा सॉल्व कर लो बच्चों, राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा पता है तुम लोग को? साइन इनवर्स ऑफ एक्स को वन डाला है तो ये तो जीरो, एक्स को वन डाला है, वाई को डाला है वन बाई रूट टू, वन बाई टू 1 by 2, 1 by 4, 1 by 2, sin inverse 1 by 2, कितना हुआ बच्चों? 5 by 6 हो गया ना? एक बार कर, calculation check कर लेना कहीं। 1 by root 2 होगा। 5 by 4 हो गया, sorry, है ना? बोलो बच्चों। 1 by root 2। sin inverse 1 by root 2। अरे हाँ यार, 5 by 4 लिख दिया था। बराबर मानते हो? Yes, sir. फॉर्मूला रॉन्ग है ना? Yes, sir. मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते ना हमेशा, मानते हो कि नहीं मानते? yes, तो बच्चों एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। द रिजल्ट इज नॉट वैलिड फॉर एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन जीरो। Sometimes it's fine, sometimes it's not fine. हो सकता है कभी कभी, जैसे x को 1 by root 2, y को 1 by root 2 डाल दो, right? तो verify हो जाएगा। अब ऐसे थोड़ी exams में डाल डाल के value देखते रहेंगे कब verify होगा और कब verify नहीं होगा। बराबर ना बच्चों? बच्चों unit circle क्या होता है? Unit circle क्या होता है? Circle with radius. Radius. And center origin. Yes. Circle with center origin and radius 1, unit circle. यूनिट सर्कल में ही तुम सारे साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह के फॉर्मूले डिराइव करते रहे हो अब तक। बोलो बच्चों। हां सर। यस सर। है ना? अब सब लोग ध्यान देना, ये हैंड्स लोअर करो अपने प्लीज, ठीक है? बच्चों ये जो ना मतलब ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई जो हम लोगों ने यहाँ कर लिया है। कोई मतलब सारे बच्चों को वैसे पता है, लेकिन कोई एक स्टूडेंट मुझे बताओ कि ये रॉन्ग प्रैक्टिस हो कैसे गई, मतलब अपने लोग से ये गलती हो कैसे गई? इस गलती को हम लोगों ने कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ है और हिडन मिस्टेक यहाँ पे हो चुकी है, वो कैसे कहाँ हुई बच्चों बताओ? सर अल्फा पाई बाय टू हो जा रहा है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन
अपन को प्रूव करना था, अपन को रिजल्ट ये निकालना था. देख साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा हम लोगों ने किया, और हमने प्रूव क्या कर दिया बता एंड में जाकर के, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्रूव कर दिया ना. यस अरे बस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा तो करेक्ट है, लेकिन एंड में जाके तूने प्रूव क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्रूव कर दिया ना. Which is not always. Yes, यही करने का था. Which is not always. अरे गधेड़ा, which is not always true. This is what I am saying. हाँ sir, ये always नहीं. अरे बाबा, मेरे को prove करना है alpha plus beta is equal to gamma. तूने prove क्या किया बता? Sin alpha plus beta is equal to sin gamma. यही prove किया ना? ये देख. इसके बाद तूने ये prove किया. अब बता. एक value is equal to sin gamma है. तो gamma is equal to sin inverse ये लिख सकता है क्या? रेस्ट्रिक्टेड है ना, रेस्ट्रिक्शन में लिखना पड़ेगा ना. गामा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 और पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए. सही है सुनो. अरे एक्स और वाई अगर पॉजिटिव होगा बच्चों, एक्स और वाई अगर पॉजिटिव होगा तो इसका इसका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू गामा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होएगा ना. सब चीजें छोड़ो, एक पॉइंट पे बात करो बच्चों. यहां से यहां ये लिखना करेक्ट है क्या? नो सर नॉट ऑलवेज ट्रू. इनफैक्ट मैं तो रॉन्ग बोलूंगा, ऐसा कभी लिखना ही नहीं चाहिए. राइट ऐसा लिखने से पहले सोचना चाहिए यार करेक्ट होगा कि नहीं होगा, वेरीफाई करना चाहिए. राइट तो बच्चों इसका करेक्ट वर्जन लेना है. ध्यान दो, पहले एक बार स्क्रीनशॉट कौन लेगा, हैंड रेज करो, उसको फिर हर बार मैं नोटिस में लेके आऊंगा. आर्यन, ठीक है आर्यन, आर्यन का नंबर रहेगा. आर्यन स्क्रीनशॉट आएगा और डन बोल दो एक बार, जैसे ही स्क्रीनशॉट वहां जाएगा बच्चों कॉपी करने के लिए एंड में टाइम मिलेगा तब कॉपी करना. स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आ जाए तो एक बार बताओ, आई वांट टू इरेज दिस. Yes, Raghu. Done. अब बच्चों ध्यान दो. ये तो fundamentals हम लोग को यूटिलाइज करने पड़ेंगे, इस वजह से ये बोर्ड इंपॉर्टेंट बन गया. अदरवाइज इसकी क्वेश्चन सॉल्विंग में तो यूटिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये तो रॉन्ग किया है. ठीक है तो अब आप लोग को लगेगा इसका, इसको नोट्स में भी लिखने का जरूरत नहीं है. कभी ऐसा मत करो, नोट्स में जरूर लिखो, ये भी लिखो कि ये रॉन्ग है इस तरह से करना. हम लोग आगे क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे. अब बच्चों ध्यान दो, इधर में पहली बात तो ये है कि मुझे ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो लिया. बच्चों आईटीएफ के जितने 6 फॉर्मूलाज, देयर आर 6 फॉर्मूलाज व्हिच वी आर गोइंग टू डू टुडे. राइट पहले फॉर्मूले में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आगे धीरे 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 स्पीड पकड़ लेंगे. राइट बच्चों सारे 6 फॉर्मूलाज में एक बात ध्यान रखो, तुम जब अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखोगे या कोई और बुक्स में जाओगे तो तुम्हें वहां पे 25-30 फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे विद कंडीशंस. बच्चों सिर्फ 6 फॉर्मूले हम लोग को पता होने चाहिए इसका डेरिवेशन क्या है, पहली बात. और सिर्फ 3 फॉर्मूले हम लोग को याद रहने चाहिए, और वो भी बहुत ईजिली याद हो जाते हैं, उनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. मतलब अपना जो लेक्चर है उसमें अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोग की पक्की हो गई तो ये मान के चलो कि आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे उसको करने में दिक्कत आने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले और इतनी सारी कंडीशंस हम लोग याद कर नहीं सकते. तुम लोग सोच रहे हो यार कंडीशन का मतलब क्या है, पहली कंडीशन तो यही पता लग गई तुम्हें. तो एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होगा तो काम चलेगा नहीं. ठीक है अब बच्चों इधर आ जाओ, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है तो ये तो करेक्ट है कि ये रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट जो आएगा वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट, सॉरी हाँ करेक्ट कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, जो कि एक मिस्टेक है. बच्चों इस मिस्टेक को हमें सुधारना है. अब सब लोग ध्यान दो, इस मिस्टेक में एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन 0 है वो तो करेक्ट है, लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, अगर x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x का रेंज 0 टू पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा? यस यस
साइन इनवर्स वाई का रेंज भी 0 टू पाई बाय 2 यस सर तो बच्चों कैन आई राइट एलएचएस बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाय 2 सॉरी 0 टू पाई बच्चों एलएचएस बिलोंगिंग टू 0 टू पाई कैन आई राइट यस अरे बाबा अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है तो एलएचएस 0 टू पाई रहेगा ना आंसर बच्चों आरएचएस बिलोंग्स टू व्हाट माइनस पाई बाय 2 तुझे जो ना अभी ऑनलाइन क्लास के ऑफलाइन क्लास में खींच के एक चांडा पड़ता था एक्स एंड वाई अगर पॉजिटिव होगा तो माइनस ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैसे आएगा फिर 0 से पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 हां बच्चों बताओ आरएचएस बिलोंग्स टू व्हाट 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 ओके तो बच्चों ये तो प्रूव ही हो गया कि ये रिजल्ट करेक्ट नहीं है क्योंकि x और y की जब तुम वैल्यू डालोगे तो RHS तो 0 और पाई बाई 2 के बीच में ही आएगा और LHS और 0 और पाई के बीच में आ सकता है सोचो जहां आ सकता है वहां कभी कभी करेक्ट आएगा और कभी कभी रॉन्ग आएगा अच्छा बताओ कभी कभी करेक्ट कब आएगा x और y की ऐसी वैल्यूज के लिए जिनका टोटल 0 और पाई बाई 2 के बीच में आता है से ऐसा सुनो तो बच्चों एक काम करें लेफ्ट हैंड साइड को रिस्ट्रिक्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड को बोल दें कि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए दिस इंप्लाइज LHS, sorry, LHS belongs to 0 to pi by 2. तब ये formula correct होगा, वरना ये correct नहीं होगा. बच्चों LHS 0 to pi by 2 के बीच में होगा, उससे क्या restriction आएगी, वो हम लोग को देखना है. एक चीज बताओ, LHS 0 to pi by 2 वाला first quadrant. बच्चों first quadrant में तो सारे ही trigonometric ratios positive होते हैं. Yes. Sin sin 0 to pi by 2, cos 10, say cosec. ये बराबर ना yes, अगर 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 LHS 0 टू पाई बाई 2 होना ही चाहिए ये कंडीशन है तो बच्चों साइन ऑफ LHS तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा साइन ऑफ LHS तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा बोलो क्या बोलते हो साइन ऑफ LHS पूरे में पॉजिटिव ही था अच्छा बच्चों एक चीज बताओ अगर कोई ये लिख दे इसके बाद में मतलब LHS तुम्हारा आ रहा है 0 टू पाई और रिस्ट्रिक्शन है ये राइट तो बताओ साइन ऑफ LHS ग्रेटर देन 0 आएगा वो तो अगर अगर LHS 0 और पाई के बीच में होगा तब भी आएगा हां सर तब भी आएगा हां सर तब भी आएगा ना तो कंडीशन की जरूरत ही नहीं है अरे बाबा तुम लिख के लो साइन ऑफ LHS ग्रेटर देन 0 जब तुम सॉल्व करोगे अरे आएगा क्या सॉल्व करने पर साइन LHS तो सॉल्व किया ये तो आता है x अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यही तो आएगा यस अरे बाबा इसका साइन ले लोगे तो यही तो आता है ग्रेटर देन 0 बोलो बच्चों यस ये तो ऑब्वियस है ऑब्वियस इन 0 टू पाई आल्सो This is correct. So, this will not lead to any condition. Achho. But cos of LHS greater than 0 होना चाहिए बच्चों. अगर LHS 0 to pi by 2 है, तो cos LHS greater than 0 होना चाहिए बच्चों व्हाट डू यू से हां सर वो देखो cos LHS greater than 0 नहीं आएगा अगर पाई बाय 2 और पाई के बीच में आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बोलते हैं यस सर सही है बराबर तो बच्चों cos of LHS क्या आएगा जरा लिख के देखते हैं cos of sin inverse x plus sin inverse y greater than 0 cos a plus b का फार्मूला cos of sin inverse x into cos of sin inverse y minus sin of sin inverse x into sin of sin inverse y yes. should be greater than 0 acho say yes or no yes acho cos of sin inverse x under root 1 minus x square likh do kya
अरे बाबा इसको थीटा ले लो, किया था ना फर्स्ट डे. यस सर. x इज इक्वल टू थीटा, ये रहा थीटा, ये x, ये 1, तो ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. कौन चाहिए तुम्हें? यहाँ से इसको सॉल्व करके कंडीशन लगा देते हैं, इसको इधर ले जाओ और स्क्वायर कर दो. बच्चों पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हो ना इनइक्वालिटी में, दोनों पॉजिटिव है. यस तो ये क्या आएगा बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0. व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों? 1 इज व्हाट? ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर स्क्वायर. आगे ना कंडीशन बच्चों, यानी ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, लेस देन वन होगा. अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. बच्चों कंडीशन पकड़ में आएगी नहीं आएगी? हाँ सर. कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, कुछ और होगा फॉर्मूला. अब वो क्या होगा वो हम लोग को ढूंढना है. बराबर है बच्चों, समझ में आया ये? यस सर. अच्छा अब एक बच्चे का मैसेज इधर मैं पढ़ रहा हूँ, वो लिख रहा है सर इक्वालिटी होल्ड्स, ट्रू है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन होगा तो बच्चों ट्रू है, इक्वालिटी दोनों तीनों जगह होल्ड करेगी. आई विल डिस्कस द इक्वालिटी लेटर ऑन. ओके अच्छा एक चीज बताओ मुझे, व्हाट इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन एंड एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन जीरो, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो हमारी दिक्कत है ना. अच्छा पहले तो ये बताओ, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट? यस सर. किसी को डाउट है इसमें? इसको जब कंक्लूड करेंगे तब मजा आएगा, तीनों फॉर्मूला इस पे एक साथ जब लिखेंगे तब मजा आएगा. ये तब ये सब क्लियर है? यस सर क्लियर. याद करो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 बाय रूट 2 फेल हो रहा था ना. हां सर. क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 जा रहा था. अब उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो भी तो एक दिक्कत है ना हमारे सामने, राइट? तो बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, जरा ध्यान दो. x किसको लिया है बच्चों? x लिया है हम लोगों ने, अल्फा लिया है ना, कुछ साइन अल्फा है ना, साइन स्क्वायर अल्फा. यस सर. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बच्चों ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर बीटा ग्रेटर देन 1, सही है सर? नो. यस सर. तो साइन स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा. बीटा बोलो बच्चो, लिख सकते हो क्या? हाँ सर. अल्फा और बीटा के बारे में पता है क्या तुम्हें, अल्फा और बीटा किस रेंज में है? एक्स और वाई पॉजिटिव है ना बच्चों? हाँ सर. एक्स और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फा 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, बीटा भी 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, मानते हो ना? यस सर. हाँ सर. अब बच्चों बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस बीटा होगा तो अल्फा ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस बीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. यस सर. मानते हो ना? हाँ. तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बताओ? ग्रेटर देन पाई बाय 2. ग्रेटर देन पाई बाय 2. यानी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा पता है ना?
पाई बाई टू से बड़ा आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये प्रूव हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन होगा तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई टू से बड़ा ही आंसर देगा, ये गारंटी हो गई। तो बच्चों फॉर्मूले की डिजाइन कैसे करनी है वो एक क्वेश्चन अभी तुम्हारे सामने आता है, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो पूरी आईटीएफ का आज का लेक्चर तुम्हें समझा देगा। आई रिपीट, दिस इज एन ऑर्डिनरी डिस्कशन। अगर तुम इसको दोबारा देखोगे या आराम से सोचोगे सर ने क्या लिखा है, राइट, तो समझ में आ जाएगा। दिस इज वंस अगेन एन ऑर्डिनरी डिस्कशन, वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला जनरेट कैसे करना है, आगे हम लोग को फॉर्मूले जब जनरेट करेंगे तो ध्यान क्या रखना है, राइट, उसको हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे समझेंगे। एक बार जरा इसका बच्चों, ये दोनों बोर्ड सिर्फ थियरी के लिए हैं, क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में इसको कभी नहीं पूछने वाला है कि ये कैसे निकला और वो कैसे निकला, कोई मतलब क्वेश्चन में कहीं भी कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसका पूछने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हें आइडिया होना चाहिए यार ये गड़बड़ क्या चल रही है, राइट। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट शुभम लेके डाल दो। डन सर। अब बच्चों आज के लेक्चर का फर्स्ट पार्ट जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, कंसेप्चुअल पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको फॉर्मूले वाइज यहाँ लिखते हैं हम लोग अभी, ठीक है। सब लोग ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट देख लेना अगर दिक्कत आए तो, ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूं। बस बच्चों ये एक फॉर्मूले में ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी आगे सारे फॉर्मूले जल्दी जल्दी हो जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन, अबे क्या कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वेन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन वन। बच्चों इक्वालिटी दो मिनट बाद डिस्कस करेंगे। बोलो बच्चों ये लिखा था कि नहीं लिखा था? यस सर, अभी लिखा। यस सर। अच्छा अब सब लोग ध्यान देना, देखो मैंने पहले बोला कि पहले दो बोर्ड जो थे ना वो कंफ्यूजन करने के लिए थे कि अपन लोग फॉर्मूले जो याद करते हैं उसमें कितनी सारी गड़बड़ियां हैं। ये वाला बोर्ड जो ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, और यही वाला बोर्ड मेनली आप लोग को क्वेश्चन में काम आता है। हालांकि इतने लंबे लंबे फॉर्मूले मैं कभी याद करने के लिए बोलूंगा नहीं आप लोग को कि ये याद करो फिर ये कंडीशन याद करो, नो आई नेवर से, लेकिन समझना जरूरी है। बच्चों एक चीज बताओ, अगर x एंड y लेस देन जीरो, अगर x एंड y लेस देन जीरो, ये रफ है बच्चों, इसको मैं इरेज करूंगा, ये स्क्रीनशॉट में नहीं जाएगा, ध्यान दो बच्चों। ये फॉर्मूला x और y पॉजिटिव और x स्क्वायर y स्क्वायर लेस देन वन हो तो वैलिड है, सही है सर? नो यस सर, मानते हो ना? मतलब अगर x और y दोनों पॉजिटिव हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन हो तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, सही है सर? नो यस। सो बच्चों एक चीज बताओ, अगर एक्स एंड वाई लेस देन जीरो ले लो, अगर एक्स एंड वाई लेस देन जीरो ले लो तो बच्चों बताओ माइनस एक्स और माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, सही है सर? नो बच्चों यस सर। बच्चों ये देखो, अब तुम ये अगर मिस कर दोगे ना तो सब गड़बड़ होने वाली है। तुम चाहो तो ये रफ का अलग से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने उस पर ग्रुप पे डाल लो ताकि आगे सारे जो रिजल्ट लिखेंगे उसमें ये वन बाय वन यूटिलाइज करते रहेंगे। बच्चों माइनस एक्स एंड माइनस वाई पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड है, तो बताओ क्या लिखेंगे बच्चों फॉर्मूला? साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस वाई पॉजिटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स अंडर रूट, स्क्वायर पे तो फर्क पड़ेगा नहीं ना बच्चों? नहीं सर। वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस फिर या माइनस वाई अंडर रूट
1 minus x square. और बच्चों कंडीशन x y less than 0 तो यहाँ लिख ही चुके हैं, और साथ में ये लिखनी पड़ेगी ना, माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 1. बोलो बच्चों. Yes. ऐसे ही करोगे ना. अगर x and y less than 0 है तो ये जो खाली जगह पड़ी है, ये जो रेड कलर जगह है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखोगे ना बच्चों, ये वाला. Yes. Right? अब बच्चों जरा ध्यान दो, साइन इनवर्स माइनस एक्स में से माइनस बार का बार आता है कॉमन, माइनस साइन इनवर्स एक्स बनेगा, से यस और नो? Yes, sir. ये माइनस साइन इनवर्स वाई बनेगा, से यस और नो? Yes. राइट हैंड साइड में यहाँ भी माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स कितना बन गया बच्चों? X वन माइनस प्लस वाई रूट वन माइनस. और बच्चों ये स्क्वायर होएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बताओ? नहीं. बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूड करो. ये फॉर्मूला वैलिड फॉर बोथ x y ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0. ये फॉर्मूला x और y दोनों पॉजिटिव है तब भी करेक्ट है. और यही तो आ गया बच्चों, यही तो आ गया माइनस माइनस का, हां सर, है ना. और x और y दोनों नेगेटिव है तब भी करेक्ट है बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि आपने जब वो ट्रायंगल लिया था तब आपने पॉजिटिव वाला कंडीशन लिया था, बट वहां पे भी sin² थीटा + cos² थीटा = 1 लेके सेम कंडीशन में ट्रायंगल में नेगेटिव x कैसे ले लेगा तू? जब ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली आइडेंटिटी से चलो तो सेम रिजल्ट आ जाएगा. तो आइडेंटिटी कैसे प्रूव करता है? पाइथागोरस थ्योरम कब लगाता है? तब प्रूव उससे किया था, बट यूज तो पूरे में करता ना. थोड़ी बात सुन, लड़ना है तो फिर प्यार से लड़ना, उसने लड़ने में तैयार हो, टेंशन मत ले. आइडेंटिटी कैसे प्रूव किया था चल बता. प्रूव किया तो वैसे ही था पाइथागोरस से, फिर इसका मतलब यूज तो सब जगह ही किया है ना. यूज तो सब जगह ही किया, वो गलत किया ना सर. पॉजिटिव की चीज निकाल के लिए यूनिवर्सली यूज किया तो वो गलत है ना. मतलब देख एक चीज समझ ले, तू आईआईटी देने जा रहा है, फुटबॉल का गेम खेलने नहीं जा रहा है कि किधर भी किक मारा बॉल गई तो चल जाएगा. जो एक्यूरेसी है उस पे ध्यान दे दे. अगर एक्स और वाई नेगेटिव होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो उसे जो गड़बड़ होगी वो नजर नहीं आ रही अभी. अच्छा ठीक है सर. जब गड़बड़ होगी ना तब पता लगेगा, अरे हाँ यार एक्स नेगेटिव लेते तो गड़बड़ होती थी इधर, फॉर्मूला ही चेंज. ठीक है सर. अब देखो बच्चों ध्यान दो, एक्स एंड वाई लेस देन 0, एक्स एंड वाई लेस देन 0, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको बच्चों मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ. तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन उसको तुम्हें इग्नोर करना है. क्या क्वेश्चन आना चाहिए? एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला लागू होगा, एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव है तब ये फॉर्मूला लागू होगा, प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1. लेकिन बच्चों अगर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हुआ, ऑपोजिट साइन के हुए, तो कौन सा फॉर्मूला लागू होगा बच्चों? दिमाग से हटा ही दो. ऑपोजिट साइन वाले एक्स वाई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी फॉर्मूले को डील करना ही नहीं है. वो सब बुक्स में लिखे हुए हैं ना फॉर्मूले, 25-30 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो सब ऑपोजिट साइन के लेके कंडीशंस डाली हुई है उसने, हम उनमें नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे. राइट? तो बच्चों यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि आईटीएफ के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोगों को एक्स एंड वाई दोनों को सेम साइन का लेते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. ऑपोजिट साइन का लेके कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नीटी ग्रिटीज आएंगी, गड़बड़ होने की चांसेस है. आर यू क्लियर विद दिस स्टेटमेंट आई हैव व्हाट आई हैव गिवन हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए? Yes. अच्छा अब बच्चों ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस, ट्रू फॉर दिस. नाउ इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 एंड एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है बच्चों. ये भी दो एंगल का एडिशन है और यहां भी कुछ एंगल ही आएगा, ये सारा गेम एंगल्स का ही है. राइट? लेकिन एक बात हम लोगों ने नोटिस करी थी अभी अभी रफ में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब ग्रेटर देन 1 होगा तो अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड कैसा बन जाएगा बच्चों? पाई बाई 2 से ज्यादा है, ग्रेटर देन पाई बाई 2, है ना. लेकिन राइट हैंड साइड मेरा क्या आएगा बच्चों? 0 और पाई बाई 2 के बीच में आएगा. तो बताओ बच्चों बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? एक बात बताओ बच्चों, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा है साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा सेम होते हैं, सही सर? यस सेम होते हैं बच्चों. साइन पाई प्लस थीटा और साइन थीटा तो सेम नहीं होते ना. नहीं सर.
हेलो तुम लोग स्क्रीन पे हो, इधर दिखता है मेरे को सब, इसलिए जवाब दो ठीक से, ये तो सेम नहीं होता ना। नहीं सर, दो अगर इधर मैं कॉस ले लू, कॉस कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा या माइनस थीटा, तब भी करेक्ट है ये? तो लोग बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो और कहाँ आ गए आप, ऐसा हाँ सर राइट। अब ये जो मैंने तीन चार क्वेश्चन तुमसे इधर किए हैं ना बच्चों, थोड़ा ध्यान दो और मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का रेंज, लेफ्ट हैंड साइड का रेंज पाई बाई टू और पाई के बीच में आएगा, ये रफ में इरेज करूंगा, पाई बाई टू और पाई के बीच में आएगा लेफ्ट हैंड साइड का रेंज, और राइट का, राइट हैंड साइड का रेंज मेरा आ रहा है जीरो और पाई बाई टू के बीच में। बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ बच्चों राइट हैंड साइड का रेंज क्या हो गया? जीरो से पाई बाय टू से पाई। बादाम खा बादाम, बहुत जरूरी है तेरे लिए। अरे इसका रेंज जीरो टू पाई बाय टू है राइट, और पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आंसर किधर से किधर आएगा? हम लोग सही आंसर बोलने से पहले वो गलत बोल देते, गलत आंसर पहले आ जाता है। इसको जो है ना अभी ऑफलाइन क्लासेस जब होंगे ना सब मिलके एक बार धोएंगे, ठीक है ना? हां मैंने मैंने उल्टा सुन लिया, हम तो पहले से रेडी थे। हां सर हम तो पहले एग्जैक्टली सर हम तो पहले से रेडी थे। अभी ध्यान दो सर लोग इधर, बच्चों ये पाई बाई टू से पाई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा सर, पाई बाई टू वही चाहिए ना, वही चाहिए। बच्चों एक चीज बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस, ये होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन होगा। इसमें दो चीजें क्लियरली तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, पहली चीज कि ये वाली रेंज और ये वाली रेंज सेम ही आने वाली है, एक्स और वाई को कुछ भी डाल दो, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और स्क्वायर्स का सम ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ये वाली रेंज हमेशा सेम ही आने वाली है। और बच्चों ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस गामा, ये सेटिस्फाई भी करता है, करता है कि नहीं करता है बच्चों? यस सर। अरे साइन ले लो दोनों तरफ, अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस गामा, साइन पाई माइनस गामा साइन गामा ही तो हो गया बच्चों? यस सर साइन। इसका मतलब बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन होगा तब ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। अब तुम चाहो तो एक्स को वन और वाई को वन बाई रूट टू डाल के देखो, आंसर करेक्ट ही आने वाला है बच्चों। लेकिन एक चीज बताओ, ये रफ मैंने अभी तक इरेज नहीं किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, वॉट इफ एक्स एंड वाई less than 0 and x square plus y square greater than 1, बोलो बच्चों, सब लोग ध्यान दो, जो कॉन्सेंट्रेट करेगा बहुत अच्छा सा आंसर देगा। बच्चों इसमें से माइनस बार निकलेगा? यस सर। इसको माइनस x डालोगे तो माइनस बार निकलेगा, बाहर से माइनस निकलेगा, माइनस निकलेगा, यहां से भी माइनस निकलेगा, हां सर राइट। और उसके बाद माइनस दोनों तरफ कैंसिल करोगे तो फार्मूला ये वाला बन नहीं जाएगा क्या बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं अभी, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो बच्चों? यस हाँ सर। उन लोगों का इंटरनेट जिनका खराब होता है ना, क्या होता है वो यस सर बोल रहे होते ना, तो यस और सर के बीच में कम से कम 10 सेकंड का गैप आ जाता है, ठीक है? ये फॉर्मूले एक बार कम से कम खुद डिराइव जरूर करना राइट, भले को अल्टरनेटिव मेथड से करो लेकिन खुद डिराइव जरूर करना। बच्चों इन फॉर्मूलेस की क्वेश्चन सॉल्विंग में जरूरत कम पड़ती है लेकिन ये ऑथेंटिकली तुम लोगों को डिराइव करना एक बार आना चाहिए राइट। अब बताओ ये तीन फॉर्मूले याद करना अपने आप में कितना बड़ा काम है, मुझसे तो नहीं होते, ये तो डेरिवेशन कर दिया मुझे, इसको इरेज करूंगा ना अभी तो फिर भूल जाऊंगा, ये डेरिवेशन ही आना चाहिए।
बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन हो राइट और एक्स वाई लेस देन जीरो हो तो ये फॉर्मूला अदरवाइज ये दो फॉर्मूले यूटिलाइज होंगे बच्चों इक्वल टू वन सब जगह डाल दो सब जगह वैलिड है इक्वल टू वन डाल के देख लो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अरे पाई बाई टू हो जाएगा ना सम पाई बाई टू पे तो इक्वालिटी आई जाएगी ना हर जगह में बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है हाँ सर इक्वालिटी सब जगह होल्ड करेगा एक बात बताओ बच्चों किसी फॉर्मूले में रेस्ट्रिक्शन इस फॉर्मूले में रेस्ट्रिक्शन क्यों आई इसके इसका लॉजिक तुम्हें पकड़ में आता है इस फॉर्मूले में रेस्ट्रिक्शन आने का रीजन क्या रहा होगा इतने सारी रेस्ट्रिक्शन क्यों लिखनी पड़ी क्योंकि LHS और RHS का रेंज अलग अलग था बराबर ना अच्छा कुछ इस तरह का था समझो ध्यान दो कुछ इस तरह का था साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू साइन टू पाई बाई थ्री था तो ये तो दिख रहा है कि दोनों इक्वल है पाई बाई थ्री इक्वल टू टू पाई बाई थ्री नहीं लिख सकते है ना बच्चों यस सर क्योंकि विजिबल ना विजिबिलिटी जिसकी होती है मजा आता है अरे यार ये क्या गंदगी कर रहा है मतलब वो जो एक स्टूडेंट बहुत जल्दी जवाब दे देता है पर उसका नाम क्या है एक चीज और मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ आप लोग ये जो चैट बॉक्स में पर्सनल चैट करते हो ना इधर में है ना ये रिकॉर्ड होती है चाहिए तो एक रिकॉर्डिंग तुम लोगों को भेज देता हूं मैं राइट उसमें डाउनलोड भी हो सकता है हाँ वो रिकॉर्ड होता है ओके क्योंकि उसका एक्सेस स्पेस के पास में तो उसका रिकॉर्डिंग चैट बॉक्स का ऑडियो का और वीडियो का ये तीनों रिकॉर्डिंग अलग अलग आती है वो भी तो तुम जो रिकॉर्डिंग जो पर्सनल चैट बॉक्स में लिखते हो ना कभी कभी कुछ बहुत स्पेशल सा लिख देते हो उसको वहां पे लोग पढ़ते और आइडेंटिफाई करते हैं कि किसने लिखा है तो कोई स्पैमर ने लिखा है तो मैं जब स्क्रीन पे क्लास ले रहा हूँ उस टाइम में स्पैमर है तो उसका मरना पक्का है राइट वो डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा गड़बड़ होता है मैं स्क्रीन देख नहीं पाता हूँ कि कौन बच्चा बोल रहा है बोलने वाले बच्चे का तो एकदम रिकॉर्डिंग में आएगा तो पकड़ लेंगे उसको राइट बच्चों आप लोग किसी को भी एक दूसरे को जो चैट बॉक्स में लिखते हो ना स्पेशली जूम चैट पे थोड़ा केयरफुल रहो हाँ ग्रेस मेंटेन करो वो सब गड़बड़ मत करो अब ये थोड़ा थोड़ा मिट गया चलेगा ना ये तो समझ में आया सर समझ ठीक है ना अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों LHS और RHS का रेंज जब भी डिफरेंट होगा तभी कंडीशन आएगी अगर रेंज सेम है तो कंडीशन क्यों आएगी अरे कोई लिखेगा साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री तो पाई बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई थ्री हो गया दिक्कत क्या है बच्चों सही है सर दिक्कत नहीं आएगा ना रेंज अगर सेम है तो रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा ना अच्छा कौन सा फॉर्मूला कौन सा अच्छा ये क्वेश्चन पूछने से पहले तुम लोग बहुत टॉर्चर हो चुके हो इन तीन फॉर्मूला में और यार एक ही फॉर्मूले को ड्राइव करने में कितना आधे घंटे से ज्यादा 45 मिनट्स के अराउंड हम लोगों ने लिया है लेकिन बच्चों तुम देखोगे आगे वाले बड़ी जल्दी जल्दी ड्राइव होंगे फॉर्मूले सेकंड वाले फॉर्मूले पे चलते हैं बच्चों ये अंडरलाइंड है कि इन फॉर्मूलेस को याद नहीं करना है आई रिपीट याद नहीं करना है सर मेरे नाम से अभी क्लास में कोई जाके लिखता है उसकी टेंशन मत ले पेस लेगा उसकी टेंशन तेरे नाम से जाके कोई लिख देता है ना उसकी टेंशन पेस को लेने दे कोर्स प्लीज रीनेम ऑप्शन खत्म करो ना हाँ बच्चों जरा ध्यान दो दिस इज फॉर्मूला नंबर वन देखो सेकंड वाला फॉर्मूला हार्डली दो मिनट में डिस्कस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बच्चों ये तो पता ही है ना राइट हैंड साइड क्या लिखना है वो तो पता है ना कर देंगे डायरेक्ट लिख दूं क्या Yes, sir. Sine inverse x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. Yes. है ना? बच्चों पहले कंडीशन ले रहे हैं x y greater than 0. ये वाली. कोई भी फॉर्मूला प्रूव करो ना तो पहले x y greater than 0 ले लो. अच्छा x y greater than 0 में इसका रेंज बताओ. थोड़ा फास्ट करो ना यार आराम से मत पढ़ो एकदम अलर्ट रहे के. 0 to pi.
जीरो टू पाई बाई जीरो टू पाई। अच्छा इसको अलाउड नहीं है हमारे नाम है इसका अरे नाम मैं भी भूल रहा हूँ उसका नाम ध्यान से सुनना तौसिफ सर ये जीरो टू पाई बाई टू ये जीरो टू पाई बाई टू तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड का रेंज क्या रहेगा जीरो टू पाई बाई टू यार मैं सोच रहा था तू जीरो टू जीरो बोलेगा नहीं रही नहीं सर एक पाई बाई टू मैं भी वही बोला तो तूने अब भी गलत है वैसे गलत है वो हाँ अबे जीरो टू पाई बाई टू रेंज से जीरो टू पाई बाई टू कोई रेंज है इससे अगर तू सबट्रैक्ट करेगा अरे सबट्रैक्ट करना है ना एग्जैक्ट माइनस आना चाहिए सबट्रैक्ट करेगा जीरो टू पाई बाई टू तो ये रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आएगा कि नहीं गधेड़ा यस सर वही सर Yes, sir. Hey. बराबर ना बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का रेंज बच्चों अगर x और y greater than 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू सही है सर नो यस सर अब बच्चों राइट हैंड साइड में आओ अगर x और y पॉजिटिव है तो बच्चों कभी ये इससे ग्रेटर रहेगा मतलब ये इससे ग्रेटर रहेगा तो आंसर 0 और पाई बाई टू के बीच में आएगा सही है सर नो यस सर यस सर अगर फ्लिप कर गया तो आंसर माइनस पाई बाई टू और जीरो के बीच में आएगा ना साइन इनवर्स में नेगेटिव यस सर यानी राइट हैंड साइड का रेंज क्या रहा माइनस पाई बाई टू रहा ना तो लेफ्ट हैंड साइड का रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू राइट हैंड साइड का रेंज भी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू बच्चों बताओ रिस्ट्रिक्शन आएगा क्या नो सर नो रिस्ट्रिक्शन बच्चों, which formula do you like to use in the questions, first or second? Second. Second. Obviously. तो सिर्फ सर का पता नहीं है, शायद first वाला use करेंगे, मतलब थोड़ा. Question के क्या था सर? हाँ, क्या बोल रहे? Question क्या था? Question ही, हाँ, ये मैं expect कर रहा था actually. अगर कोई question आएगा तो first formula use करना prefer करेगा कि second? सेकंड वाला छोटा सा उसको करेंगे हां लॉजिक भी दे दिया उसने बच्चों x और y ग्रेटर देन 0 के लिए फार्मूला है अब x और y लेस देन 0 पे ले लो बच्चों एक बार बच्चों x और y लेस देन 0 होगा तो sin इनवर्स माइनस x में माइनस 12 आएगा सही है सर नो हां सर हां सर यस सर इसमें से माइनस 12 आएगा तो ये प्लस बन जाएगा प्लस हो जाएगा ये माइनस sin इनवर्स x बन जाएगा ये प्लस sin इनवर्स y बन जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बच्चों ये माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर आएगा और ये प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इसमें से माइनस कॉमन आएगा बच्चों ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस ये सब कट गए बच्चों हां सर बताओ फार्मूला चेंज आया क्या नहीं नहीं इसका मतलब बच्चों सेकंड फार्मूला तो ऐसा बन गया कि इसी को यूज करना है पहले वाले तो को तो किसी भी सूरत में यूज नहीं करना है आई रिपीट साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए xy greater than 0 और xy less than 0 दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है बच्चों समझ में आया कि नहीं आया यस सर राइट मैं एक चीज को फिर रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को x और y दोनों को पॉजिटिव या दोनों को नेगेटिव ये लेके ही ITF डील करना है बच्चों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके डील करना ही नहीं है किसी भी ईयर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको ओपोजिट साइन लेके डील करना हमारा कंपल्शन रहा हो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है एक्चुअली हम लोग सेम साइन का बनाए अच्छा बताओ अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो y को माइनस z लिख दो z पॉजिटिव हो जाएगा ना फिर हाँ सर हो जाएगा यस हाँ सर दोनों सेम साइन के बना करके और फिर सारे फॉर्मूलाज यूज करो छह फॉर्मूलाज है दो हो चुके हैं और सारे फॉर्मूलाज जल्दी जल्दी हो जाएंगे अच्छा फॉर्मूला नंबर 3 cos इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स वाई बच्चों राइट हैंड साइड अब तुम लोगों को रटा हुआ है एक्चुअली कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन जीरो
अच्छा एक चीज बताओ, अगर x और y पॉजिटिव होंगे तो इसका रेंज क्या आएगा? अरे यार तुम लोग अलर्ट नहीं पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ते हो ऐसे पढ़ो ना, क्या है अलर्ट पढ़ो ना, लास्ट लेक्चर में मतलब क्या है, छह घंटे का पेपर में सिक्स आवर्स में ऐसे ब्लैंक होके बैठ जाएंगे क्या? ये इसका रेंज जीरो टू पाई बाय टू, जीरो टू पाई, बस ये दो तीन बच्चे हैं जो रिस्पॉन्सिव रहते हैं, मतलब दो तीन बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहते हैं, बाकी सब सुनते हैं कि चलो इनको सुन लेंगे तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके इनको देख लेते हैं पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अपना अपने भी मार्क्स आ जाएंगे, है ना, इसका भी रेंज जीरो टू पाई बाय टू, से यस और नो? यस यस यस। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड का रेंज जीरो टू पाई, टू पाई, राइट हैंड साइड अगर एक्स वाई इससे बड़ा हुआ तो जीरो टू पाई बाय टू आंसर, यस सर, एक्स वाई अगर इससे छोटा हुआ तो आंसर पाई बाय टू से पाई, से यस और नो? यस यस सर। इसका मतलब राइट हैंड साइड का रेंज भी जीरो टू पाई हुआ, से यस और नो? यस सर। यस बताओ रिस्ट्रिक्शन आएगी क्या? नो, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन बच्चों अगर एक्स और वाई लेस देन जीरो हुआ तो क्या होगा, ये क्या बनेगा बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, से यस और नो? यस सर। यस सर। और ये क्या बनेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स वाई, और बच्चों एक्स और वाई दोनों अगर नेगेटिव है तो बताओ ये माइनस एक्स इंटू माइनस वाई सेम रहेगा, कुछ चेंज आएगा इधर? नहीं सर। और बच्चों इसमें स्क्वायर है तो चेंज आएगा क्या? नहीं, नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में बैंकर वाला चेंज आया, क्या चेंज आया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स वाई, यस ना, यही बना है ना? हां सर। तो बच्चों मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इधर और तुम लोग वेरीफाई कर दो एक बार, ये फॉर्मूला बनेगा 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट, अबे एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई लेस देन जीरो। बच्चों ये रेस्ट्रिक्शन नहीं बोलते हैं, एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 तो दिया हुआ है हो ही नहीं सकता, x का वैल्यू 1 बाई 2 अगर दिया हुआ है तो पता है ना पॉजिटिव है, तो वो रेस्ट्रिक्शन नहीं कहलाएगा, राइट? अब ये नहीं कह सकते कि सर पॉजिटिव के लिए अलग फॉर्मूला और नेगेटिव के लिए अलग फॉर्मूला, तो रेस्ट्रिक्शन हो गई ना, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। बच्चों ये फॉर्मूला भी विदाउट रेस्ट्रिक्शन ही है, तुम्हें समझ में आया 2 पाई माइनस कैसे आया, ये लिख के देखो सर एक बार, बताओ देखो आज से राइट मल्टीप्लाई किया और लेकिन किसी को दिक्कत है तो समझ नहीं देना, x और y less than 0, बच्चों x y less than 0 तो ये क्या होएगा बताओ, pi minus y by 2 x हो जाएगा ना, cos inverse, ये pi minus cos inverse y हो जाएगा ना, is equal to cos inverse, ये बड़ा रिजल्ट ये राइट, अब ये cos inverse वाला ये और ये राइट हैंड साइड में ले जाओ और उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये आ गया ना फॉर्मूला, यस सर आ गया, हां सर, बोलो बच्चों सही है? यस हां सर, हां सर, नो रेस्ट्रिक्शन। बच्चों cos inverse का ग्राफ याद है कि नहीं है? यस सर, कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है? सर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब बड़े वाले x के लिए cos inverse का आंसर छोटा आता है, यही मतलब है ना? हां सर, यस सर, बड़े x के लिए cos inverse का आंसर छोटा आएगा। ओके सो गाइस टेल मी वन थिंग, आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला एंड आई विल आस्क यू द रिस्ट्रिक्शन, cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse xy plus under root 1 minus x square under root 1 minus y square। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? राइट हैंड साइड का आंसर हो सकता है। cos inverse क्या लिखेगा अंदर की आंसर नेगेटिव आ जाएगा, बता cos inverse of what value will give you the negative answer? अभी भी मैंने पूछा cos inverse का ग्राफ पता है कि नहीं, ये ग्राफ है cos inverse का, always positive होता है, always positive और जीरो और पाई के बीच में ही आंसर आता है। हाँ सर, यार आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले ITF के नोट्स तो कम से कम पढ़ना चाहिए था ना बच्चों, तो RHS बच्चों जीरो और पाई के बीच में आएगा, बराबर है? हाँ सर, यस सर, यस सर। बच्चों लेकिन LHS तो नेगेटिव हो सकता है,
बताओ अगर x का वैल्यू y से बड़ा आ गया तो नेगेटिव हो गया ना? हाँ सर नेगेटिव। यस सर। तो यानी ये फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा ना उस कंडीशन में? यस सर। यस सर। यानी बच्चों यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। देखो बच्चों ये रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मूला, x शुड बी लेस देन y। बड़े वाले x के लिए, बड़े वाले x के लिए आंसर छोटा आएगा, तो बच्चों y को बड़ा होना चाहिए। y बड़ा होगा तो ये आंसर छोटा आएगा, छोटा आएगा सर। यस ये पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव बन रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी पॉजिटिव बनना चाहिए। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम में हमें ध्यान रखना है स्पेसिफिकली x लेस देन y होना चाहिए। बच्चों एक चीज समझ लो, फिर वापस बोल रहा हूँ, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम लोग को एग्जाम में तकलीफ देती है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन मुझे याद नहीं है तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन मेरा गलत जाना तय है। RHS नेगेटिव नहीं हो सकता, LHS नेगेटिव हो सकता है, X less than Y लिखना पड़ेगा। किसी बच्चों को डाउट है क्या? फॉर्मूला नंबर 4। बच्चों X और Y को ऑपोजिट साइन लेके देख लो एक बार, सॉरी ऑपोजिट नहीं, लेस देन 0 लेके देख लो, सेम ही आएगा। आराम से एक मिनट का टाइम लो। ये फॉर्मूला x लेस देन y एंड x y ग्रेटर देन 0 के लिए भी ट्रू है और x y लेस देन 0 के लिए भी ट्रू है बच्चों। अरे बाबा पाई माइनस आएगा कट जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। द फॉर्मूला इज वैलिड। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? यस सर। यस। बच्चों आउट ऑफ द 4 फॉर्मूलाज कितने फॉर्मूलाज रिस्ट्रिक्शन वाले हैं? 2 फॉर्मूलाज। 2। कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, है ना? ये बच्चों स्टार मार्क, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Have you understood, guys? Yes, sir. देखो फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव करने में ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ में फर्स्ट का आधा भी टाइम नहीं लगा है। और बच्चों फिफ्थ फॉर्मूला तो और इजी है, तुम्हारा किया हुआ है बहुत बार, तुम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में किया हुआ है। शुभम एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके डालो बच्चे। बच्चों देखो ये थोड़ा टफ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक बार तुम लोग रिपीट कर लोगे और कल डाउट पूछ लोगे ना, उसके बाद ये परमानेंट दिमाग में फिट हो जाएगा। इग्नोर मारोगे तो परमानेंट हेडेक बन जाएगा। नान सर, बाय द वे आई एम आर्यन। बाय द वे आर्यन, आई एम नॉट शुभम। अच्छा सॉरी, आर्यन को डेप्यूट किया था क्या? मैं भूल गया बेटा। सर कल के लेक्चर में तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है वैसे आर्यन? नहीं नहीं सर, बता रहा था बस। ठीक है ठीक है, ऑलराइट। अच्छा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तुम भी समझ रहे हो दो ही फॉर्मूला बचे हुए हैं बस, है ना? हां सर। यस। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तुम्हारा किया हुआ है, किया ना सीक्वेंस सीरीज में? अरे बोलो ना, एसएनएस में किया है कि नहीं किया है? सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं किया है सर। नहीं किया सर। अरे उसमें एसएनएस के बुकलेट में क्वेश्चन है लास्ट वाली एक्सरसाइज में, तो थी आई थिंक हमने स्किप कर दिया था, तो क्वेश्चन भी नहीं था, स्किप करने वाला था, छोड़ने बोला था, तो वो छोड़ने बोला था। अरे चलो रुको, अभी ध्यान दो इधर, चलो सब लोग ध्यान दो। फॉर्मूला नंबर 5, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जैसे ही है, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा होता है ना, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b, वही तरह से याद रखने में दिक्कत आएगी नहीं ज्यादा, है ना? यस। x एंड y ग्रेटर देन 0 बच्चों, x एंड y ग्रेटर देन 0। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ कौशिक सर। यस सर। अगर x और y पॉजिटिव है इसका रेंज क्या आएगा? अगर x और y पॉजिटिव हुए tan inverse x का रेंज क्या आएगा? तब तू सबसे 0 से पाई बाय 2 ही टू तक ही खींचेगा ना? तो सिर्फ तू इतना टेंशन में क्यों रहता है यार? इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, आराम से जवाब देना। tan inverse का ग्राफ पता है कि नहीं पता है तुझे? यस सर। वही
अगर x पॉजिटिव है तो इसका आंसर 0 और पाई बाई 2 के बीच में आएगा। यस सर यस। नहीं 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 सर, पहले बहुत से रॉन्ग होने से इस बार थोड़ा सा सोच समझ कर ढंग से देखकर करते हैं। अच्छा अच्छा ओके गुड। हां तो बच्चों tan इनवर्स x में x y पॉजिटिव है तो ये 0 और पाई बाई 2 के बीच में, ये भी सर 0 से पाई बाई 2 और 0 टू पाई बाई 2 माइनस 0 टू पाई बाई 2 कितना बन गया? अब गलत बोलेगा तो मार खाएगा। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का रेंज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। व्हाट राइट हैंड साइड बच्चों? 0 टू पाई बाई 2 कुछ भी बोल दो, कुछ भी माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। अब अगर x ग्रेटर देन y हुआ तो बच्चों पॉजिटिव आएगा सही? यस और नो? यस। x greater than y हुआ तो tan inverse में positive आएगा तो answer 0 और pi by 2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? Yes. और अगर x less than y हुआ, x less than 1 y हुआ तो tan inverse negative आएगा तो answer किधर से किधर आएगा? Minus pi by 2 to 0 आएगा। Say yes or no? Yes sir. वो जो right hand side का range भी minus pi by 2 to pi by 2 बना कि नहीं बना? हाँ सर। Yes sir. दोनों तरफ का range same है, restriction आएगा क्या बच्चों? नहीं आएगा। नहीं sir. No restriction. बच्चों x और y लेस देन 0 के लिए बात करो, बताओ इसमें से माइनस बार आएगा कॉमन से? यस और नो? यस। यस तो tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan इनवर्स माइनस x प्लस y प्लस y अपॉन 1 प्लस xy। यहां तो फर्क पड़ेगा ही ना? हाँ सर। माइनस यहाँ से कॉमन निकलेगा, ये माइनस कॉमन, ये गायब एक्स माइनस राइट और कैंसिल कर दोगे तो सेम फॉर्मूला आ गया ही आएगा बच्चों। हाँ सर। यस यस सर। फॉर्मूला नंबर 5 बच्चों, आउट ऑफ द 5 फॉर्मूलास नाउ टेल मी व्हिच फॉर्मूला इज द बेस्ट टू लर्न एक्चुअली? फिफ्थ वन tan इनवर्स tan पेरी। वैसे तो सारे ही क्या है, सबको ही याद करने का जरूरत नहीं है, डिराइव करना आता है तो सारे ही फॉर्मूले तो क्लियर है एक्चुअली राइट। एक होता है क्लियर, मतलब बिल्कुल क्लियर, कुछ नहीं याद है। एक होता है ये फॉर्मूला याद है तो जो मान के चलो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे ITF के इसी फॉर्मूले से बनते हैं राइट। मतलब इस स्टार मार्क फॉर्मूला एंड आई मस्ट राइट हियर, इट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। tan inverse x minus tan inverse y is equal to this one without restriction. And बच्चों ये जो formula है tan inverse x plus tan inverse y is equal to dash. इसके तीन result है बच्चों, blank छोड़ रहा हूँ ये तुम्हारे लिए मैं। Result number one, इसको मैं लिख देता हूँ, x and y greater than 0 and product xy less than 1. Result number two, x and y greater than 0 and xy less than 1. चार लिखने पड़ेंगे अब तो। x and y greater than 0 and product xy greater than 1. x and y less than 0 and product xy greater than 1. अच्छा ये ज्यादा नंबर है, घबराना नहीं है, इजी है ये, थोड़ा टाइम लगेगा। और बच्चों नेक्स्ट हो गया x एंड y ग्रेटर देन 0 एंड प्रोडक्ट xy इक्वल टू 1। नेक्स्ट हो गया x एंड y लेस देन 0 एंड प्रोडक्ट xy इक्वल टू 1। बच्चों ये छह ब्लैंक स्पेसेस जो है ना वो तुम लोग को फिल करने हैं, ये तुम्हारा होमवर्क वाला पार्ट है बच्चों। पहले फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, सबसे पहले तो सेम हो गए सर। अरे तो डिफरेंट कर देते हैं ना ये लोग। हाँ सर। ठीक है बोलो बच्चों। ठीक है ये सारे ब्लैंक्स तुम आराम से फिल कर सकते हो, मतलब ऐसा चैलेंजिंग है इसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट वाले दो तो फालतू है बच्चों। अरे xy is equal to 1 का मतलब y equal to 1 by x हो गया ना बच्चों? Yes sir। और y equal to 1 by x लिखोगे तो ये rough work, tan inverse x plus tan inverse 1 by x tan inverse 1 by x। बच्चों
एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव ही है इसका मतलब अरे अगर एक्स और वाई लेस देन जीरो होगा, अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो इसको क्या लिखोगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस फाइव प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे लिखोगे ना बच्चों? याद है कि नहीं है ये? या सब कुछ भूल चुके हो मेजर टेस्ट के? याद है सर, याद है। अगर किसी स्टूडेंट को मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा टाइट रहा होगा और उसने आईटीएफ का एक भी लेक्चर ठीक से अटेंड नहीं किया है या फिर देखा नहीं है नोट्स को, तो बच्चों आज का और कल का पूरा टाइम इन लेक्चर्स को दे देना तो एट पार निकल जाओगे, वरना दिक्कत आ जाएगी। एक्सरसाइज 1, 2, 3 डिस्कशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बच्चों, उसके डिस्कशन लेक्चर ऑलरेडी दिए और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डाउट उसमें आने वाले हैं, राइट? लेकिन आईटीएफ में गड़बड़ मत कर देना, पीडीएफ पूरा पढ़ो, अंडरलाइन कर लो हर एक पीडीएफ का पार्ट, कहाँ कहाँ मेरे को दिक्कतें हैं सर से ये मेरे को क्लैरिफाई करना है, और डाउट पूछने में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? सोचो ये वाला फिल इन द ब्लैंक हम लोग रेगुलर लेक्चर में फिल करेंगे, कल वाले डाउट सेशन में फिल नहीं करेंगे। सर आईटीएफ का वो फंक्शंस में हम लोग ने जो एंड में फंक्शन तो कंप्लीट हो गया पूरा, तो आईटीएफ उससे रिलेटेड है कि थोड़ा डिफरेंट है? वो तो फंक्शंस में भी था ना थोड़ा सा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हां फंक्शन में भी था बेटा, फंक्शन वाला और आईटीएफ वाला ये वाला पार्ट जो ना मिक्स करके, मतलब तुम मानो कि आईटीएफ पूरे चैप्टर को हम लोग को 5 लेक्चर देने होते हैं बिकॉज ऑफ द बैच इज गुड। मेरे को लगता है हम लोगों ने 3-3.5 लेक्चर में शायद ये पूरा कर दिया है। ये थर्ड लेक्चर है। हाँ ये थर्ड लेक्चर है, मतलब ठीक है, मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा है इसलिए जल्दी पूरा, अदरवाइज 5 लेक्चर इसके एंड में हम लोग डिवोट करते हैं, तो ठीक है ना? कल डाउट सेशन रहेगा तो 4th लेक्चर 4.5 लेक्चर मान लो ऐसे करके, राइट? डाउट्स के साथ एक बार क्लियर कल बच्चों, अगर तुम्हारा डाउट सेशन तुम लोगों ने पूरा थियरी ठीक से कर लिया और डाउट्स क्लियर कर लिए तो मैं एश्योर कर सकता हूँ कि तुम्हारी बुकलेट में तुम्हें मतलब करीब 150 सम्स होंगे आईटीएफ के बुकलेट में, नॉट मोर देन दैट, मतलब इतने ही है टोटल में, इतने ही है, 10 से ज्यादा डाउट नहीं आएंगे बच्चों, और उसके सॉल्यूशन या रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं है, फिर भी डाउट आने के चांसेस कम है, प्रोवाइडेड पीडीएफ के सारे डाउट कल क्लियर कर लो, अदरवाइज नहीं, राइट? अच्छा ये सिक्स फॉर्मूलेस जो है ना, ये जरा एक बार पिक्चर लेकर डाल दो आर्यन, Aryan, can you hear me? Ha, done, sir. Okay, thank you. Acha, can I erase this? Yes, sir. Tanish, tera camera on hua. Acha, can I erase this? Yes, sir. All right. तो इसमें नीचे एक बार देखें जरा कितने लोग without earphone बैठे हुए अभी। हाँ, Coast, please remove the 4 students immediately. One more. कोश करो ना इसको भी रिमूव। अच्छा विभुत का कोई मैसेज आया था? सर सेकंड डिवाइस था, वो आपने रिमूव कर दिया। ओह सॉरी, मैं पूरा मैसेज पढ़ पाया उससे पहले, कोश फास्ट था एक्चुअली, उसने कर दिया, पर ठीक है बेटा चल जाएगा ना काम, आज तो चला ले यार, सॉरी। सेकंड डिवाइस में क्या? अच्छा ईयरफोन वाला चेक करा हुआ, ठीक
कर ले वापस ज्वाइन कर ले, लेकिन कभी नहीं पाएगी अभी। हाँ बच्चों सब लोग ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, अब तुम लोग 5 मिनट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, वरना तुम लोग क्या कभी कभी आजकल इनसिंसियरली भी पढ़ते हो, मतलब ये स्क्रीन पे आने के बाद मुझे पता लग रहा है आज रिस्पॉन्स कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, पहले हमेशा अच्छा ही मिलता था सिर्फ, आजकल कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं भी मिलता है। ये फॉर्मूला है ना बच्चों, उसका नेटिविटीज समझो। देखो इस फॉर्मूले को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में कैसे आइडेंटिफाई करना है, सब लोग ध्यान दो। अच्छा जितने भी क्वेश्चंस आईआईटी ने अब तक पूछे इस फॉर्मूले पर डिपेंड है। अच्छा पूछता है, ये चीज और समझ लो, पूछता है। और तुम्हारा जो ये क्रैश कोर्स और आगे रिवीजन लेक्चर्स ही होते हैं ना, टीचर्स फंसाते भी तुम्हें इसी फॉर्मूले में, ठीक है ना, इसलिए इस पे थोड़ा वेटेज अच्छा दे देना। मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कराने वाला हूँ। ओके इसको इधर से याद करो बच्चों, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सॉरी is equal to tan inverse x minus tan inverse y। इधर से इधर याद करो, इधर से इधर इसकी जरूरत कम पड़ेगी, है ना, लेफ्ट से राइट में याद करो। ओके अब याद करने का तरीका क्या होना चाहिए बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसका, इसके डिनोमिनेटर में एक तो इसको स्प्लिट करने के लिए, मतलब ये टेलीस्कोपिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, इसको स्प्लिट करने के लिए डिनोमिनेटर में वन का होना जरूरी, और ये जो प्रोडक्ट है ना उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में होना, दो चीजें वन होना चाहिए और इस प्रोडक्ट का डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाओ, बस ये इस फॉर्मूले का मेनली लेना देना है, दो ही चीजें ध्यान रखनी है। अब तुम बोलो ऐसे ये इतनी एलिमेंट्री चीजें ध्यान रहेगी ना सर, फिर भी बोल देता हूं, डिनोमिनेटर में वन होना चाहिए और ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, अगर नहीं है तो वन एड सेपरेट कर लो, मतलब कुछ कर लो राइट, और ये जो प्रोडक्ट बचता है ना बच्चों इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए, अगर है तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट हुआ और तुम्हारा काम बन गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर, सब लोग ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर वन मैं करूंगा, टू तुम लोग को करना है। समेशन टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर आर गोज फ्रॉम वन टू एन। अच्छा ध्यान दो, इसको मैंने लिखा, इसके फैक्टर्स वन तो है ही, मतलब मैं तो डेफिनेटली इजी क्वेश्चन ही लूंगा, तो ये तो बच्चों फैक्टर बना देंगे, वन तो ऑलरेडी अवेलेबल है और इसके फैक्टर्स बना लेंगे, तो फैक्टर्स का जो डिफरेंस है बच्चों ये न्यूमरेटर में आ ही रहा है, बोलो बच्चों सही है कि नहीं है, लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, समेशन टेन इनवर्स आर प्लस वन माइनस टेन इनवर्स आर, से यस और नो बच्चों, आर गोज फ्रॉम वन टू एन, यही बनेगा ना? यस सर। अबे हाँ या ना में तो जवाब देता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ अब तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना? यस। हाँ सर। क्या क्या बच्चों? टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस पाई बाय फोर बराबर ना? यस। yes. पर बच्चों अगर इधर yes. में और लिमिट एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी और लिख दे, तो बताओ टेन इनवर्स इनफिनिटी कितना हो गया बच्चों? कितने स्टूडेंट्स का हाथ, मतलब देखना ये कितनी जल्दी हाथ ऊपर जाता है, सॉल्व तो बहुत लोगों को होगा वैसे। क्वेश्चन नंबर टू, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन टेन इनवर्स वन अपॉन टू आर स्क्वायर,
सबसे पहले तो वन ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो पता ही है तुम लोग को, शुरू करो, जिसको आएगा उसको हाथ ऊपर करना है। वन टू That's good. Four students have done it. बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाँ, अगर हम JEE एडवांस के टॉप 100 में आने के लिए मेहनत कर रहे हैं, समझो एक चीज, और कोई क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मुझे सारे बच्चों को सिखाना है, सिखाने के लिए जो एक जो रूट होता है ना बच्चों, वो मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अगर वो क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो नेवर रेज है, क्योंकि वो किया हुआ क्वेश्चन जल्दी कर लिया है, ये बच्चों को डिप्रेस करता है, बाकी सारे बच्चों को डिप्रेस करता है, ठीक है। और सिखाना तो जरूरी है, इसलिए बच्चों थोड़ा सा इंटेलिजेंट तुमने कर लिया, इट्स फाइन, नो इश्यूज, लेकिन हैंड रेज मत करो। अभी एकदम फ्रेश क्वेश्चन मिला और पहली बार किया तो इट्स फाइन, तो इट्स थम्स अप एक्चुअली। हाँ, सिक्स स्टूडेंट्स हैव डन इट। हाँ, हिंट मिलने से थोड़ा क्लैरिटी आ गई एक्चुअली। 10 अच्छा ठीक कह रहा है तू, वो हिंट वैसे तो वो इंट देना यार, वो शुरू में बोल चुके हैं वन नीचे होना चाहिए, तो उसको देना नहीं देना कुछ मीनिंग भी नहीं रखता एक्चुअली। अच्छा, आने वाले टाइम में थोड़ा मेहनत तुम्हारे ये जो स्ट्रीम चल रहा है ना फंक्शंस वाला, इस पे थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लो अभी, क्योंकि एक्सरसाइज 3 होने के बाद में फिर एक्स्ट्रा शीट्स आएंगी ना, उन पे मेहनत करना है। जल्दी से जल्दी आप बुकलेट निपटाने का स्टार्ट कर दो, कल के लेक्चर में 1-2-3 एक्सरसाइज तक जाएंगे, जितना भी मतलब हो पाएगा, और अलोंग विद ITF, तुम जाओ फास्ट रहो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ITF भी तुम्हारा पूरा हो गया है, राइट। लेकिन अभी मान लो TWT आया, तो TWT में पेपर बनेगा एकदम मस्त, अच्छा वाला पेपर बनेगा, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए मतलब प्रॉब्लम्स का लेवल भी अच्छा तुम लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए, तो बुकलेट के बाद में अच्छे प्रॉब्लम्स का शीट तुम लोगों को मिलेगा बाय द टाइम। 12 स्टूडेंट्स हैव डन इट। अच्छा ठीक है बच्चों, 5 मिनट, 1 मिनट और दे देते हैं। So we did little ITF in functions. I'll read the message first. Yeah, it's a different chapter. Arna, it's a different chapter, beta. Yes, sir. Okay. कुछ बच्चे जो है ना इस चैप्टर को एंड में कर रहे होंगे, फ्लैगशिप का और 3 ईयर का दोनों बैचेस का ये चैप्टर अभी हो जाएगा एक्चुअली, 3 ईयर का भी अभी हो जाएगा, उनको भी एक लेक्चर और लगेगा अभी। 13 स्टूडेंट्स का हो गया है। हाँ हाँ आदर्श तो ठीक करा बेटा। बच्चों ज़रा ध्यान दो,
तुम लोग उसमें ये यहाँ यहाँ ये वाला काम कर रहे हो मेरे हिसाब से, tan inverse 1 upon 1 plus 2r square minus 1, है ना? Obviously. अब बच्चों अब तुम लोग फंस गए यहाँ पे आके, tan inverse तुम लोगों ने one plus root two r minus 1 and root 2r plus 1, बच्चों यही किया ना? हाँ सर। अब पता चक्कर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, yes. और वो है नहीं बच्चों, yes, ये तो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि जहाँ फंसो ना वहीं पे इरेज मारो, ये गड़बड़ किया है सर। पहले स्टेप में ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई, यस देखो उसने बोला ठीक से। देखो बच्चों अभी क्या करो, तुम्हें पता लग चुका कि यहाँ 1 ऐड सबट्रैक्ट करने से 2 क्रिएट होता है, तो बच्चों पहले 2 क्रिएट कर ही डालो, 2 अपॉन 4 आर स्क्वायर लिख दो उसको। अब बच्चों है ना, 1 ऐड सबट्रैक्ट करो, देखो मजा आएगा। tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस 4 आर स्क्वायर माइनस 1। बच्चो क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? यस सर। यस सर। 2 आर प्लस 1 माइनस 2 आर माइनस 1, बोलो डिनोमिनेटर कितना आया बच्चों? 1 प्लस 2R plus 1 into 2R minus 1, और ये बन जाएगा बच्चों summation tan inverse 2R plus 1 minus tan inverse 2R minus 1, 2R minus 1, R किधर किधर से किधर है, 1 to n। बच्चों बताओ बताओ टेलीस्कोपिक बन गया कि नहीं बन गया? बन गया बन गया। राइट, तो आंसर कितना आ गया इसका? ये जो दोनों क्वेश्चंस किए हैं इनके ब्याप पे आई वांट टू गिव यू अ जनरल आइडिया। गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर तुम्हें ऐसा कहीं मिले साइन इनवर्स ऑफ दिस माइनस नो साइन इनवर्स ऑफ दिस का समेशन, बोलो बच्चों ऐसा समेशन मिले तो साइन इनवर्स को हम लोग ट्रायंगल बना के टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसमें चेंज हो जाएगा, बस उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसका मतलब ये हो बच्चों, समेशन के ज्यादातर क्वेश्चन, आई रिपीट, समेशन के ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कुछ भी दिया है तो पहले टेन इनवर्स में चेंज कर लो उसको, राइट? ऐसा लॉ नहीं है लेकिन सॉल्व हो जाते हैं सारे क्वेश्चन उससे। टेन इनवर्स में चेंज कर लो पहले और उसके बाद में ए फॉर्मेट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, ये होना चाहिए। अच्छा अभी लीव नहीं करना है क्योंकि मैं जो पीडीएफ भेज रहा हूँ उसमें कुछ बताना है जो तुम लोग को सॉल्व करना है। जस्ट ओपन योर ग्रुप, आई विल टेक अ मिनट टू सेंड यू द पीडीएफ। Let's shift 23. Achha, open the PDF.